दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो स्पष्ट रूप से पिछले कई दिनों से खटकरे में खड़ी है। कुछ दिन पहले सीबीआई ने दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी को सर्च किया और उसको अरेस्ट किया, वो आज भी गिरफ्तार है। दिल्ली सरकार को उस पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन जब किसी मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारी पे किसी पुराने मामले में अगर सीबीआई सर्च करती है तो एक बेतुका तर्क दिया जाता है कि देश के संघीय ढांचे को खतरा पहुंच गया। अब भ्रष्टाचार का कोई मामला उसकी तहकीकात सीबीआई करे और एक अधिकारी के खिलाफ करे सिर्फ इसलिए कि वो मुख्यमंत्री के करीब है, संघीय ढांचे के ऊपर खतरा पहुंच गया? संघीय ढांचे पे तो खतरा तब पहुंचता है जब यूपीए सरकार के दौरान एक यूनियन टेरिटरी की सरकार केंद्रीय मंत्रिपरिषद के निर्णय के खिलाफ केस दर्ज कर ले, जबकि उसके पास पुलिस के अधिकार नहीं है। कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल करे तो क्या यह संघीय ढांचे की भावना के अनुकूल है? और अब मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री की रणनीति यह है कि उनके पास भ्रष्टाचार के साथ खड़े हुए जब रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो केवल एक चारा है कि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित कर दें। और यही कारण है कि शायद मेरा नाम बार बार वो लेते हैं, कभी गलत बयानी करते हैं कि संसद को गुमराह किया गया। अगर संसद को गुमराह किया गया तो उनके सांसद पब्लिक मोशन डाल सकते हैं। ये स्पष्ट है कि सीबीआई एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ गई थी, न मुख्यमंत्री कार्यालय में गई, न मुख्यमंत्री की किसी कागज की तरफ गई, न उस सर्च का केजरीवाल जी के टेन्योर के साथ कोई संबंध था। आज तक तो किसी ने सार्वजनिक जीवन में उंगली भी नहीं उठाई। और न समझी के आधार पर तथ्य रखते रहना। मैं स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली में गैर सरकारी साधनों से बना हुआ एकमात्र क्रिकेट स्टेडियम यह है, बाकी सब टैक्सपेयर या सरकार के खर्चे पर बने हैं। कुछ टेक्निकल वायलेशंस हैं प्रोसीजर्स की, कि कोई नोटिस ठीक नहीं था या कोई फाइल ठीक नहीं थी, कोई सब्सटेंटिव वायलेशन नहीं है और वो सारी कंपाउंडेबल थी और उन लोगों द्वारा जिनसे वो शायद कमी रही होगी। और मेरे संबंध में लिखा कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है इसमें, ये तो पिछली सरकार जिसमें मैं विरोधी था उसके कार्यकाल में यह जांच थी और उसके बाद से न केंद्र में न दिल्ली में मेरा क्रिकेट से कोई संबंध रहा है। देयर इज नॉट अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ। आई हैव पर्सनली प्रैक्टिस द हाइएस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोबिटी विच एवर कैपेसिटी आई हैव बीन। वन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज बीन सेंडिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट मी एंड क्यूरियसली दे वर ऑल इन्वेस्टिगेटेड during the UPA government in 2012 and 13, and they said there is nothing in these complaints as far as I am concerned. They found some procedural irregularities against somebody else, no substantial irregularity, and they were all compoundable procedural irregularities. He is outrightly trying to defend corrupt officials, and he wants in a union territory, which is the union territory, which is the capital of the country. He wants to usurp power which doesn't vest in him. With little understanding of the subject, I think he's deliberately allowed himself to be misled. Is he using alliances within your own party? I'll be very